हमारे पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको हर की पौड़ी को पूरा घुमाया और हर की पौड़ी के आसपास के फूड को एक्सप्लोर किया। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हर की पौड़ी के आसपास की सबसे फेमस मार्केट को घुमाऊंगा। आज हम हर की पौड़ी के आसपास स्थित बड़ा बाजार और मोती बाजार की कुछ फेमस शॉप्स को एक्सप्लोर करेंगे। हर की पौड़ी से लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़ा बाजार फैला हुआ है और बड़ा बाजार के खत्म होते ही आगे स्थित है मोती बाजार। हरिद्वार के दोनों ये बाजार अपने रिलीजियस आइटम्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए काफी फेमस हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको हर की पौड़ी से यहाँ से ही पैदल वॉक करते करते कुछ फेमस शॉप्स को घुमाता हूँ। इस बाजार में आपको हर छोटी से बड़ी चीज देखने को मिलेगी। आप इन चीजों को काफी कम रेट में यहाँ से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको धार्मिक चीजें बहुत सी देखने को मिलेंगी। पूजा पाठ का सामान, विभिन्न प्रकार की धार्मिक मालाएं, हवन सामग्रियां और भी बहुत कुछ। दोस्तों, अब हम बड़ा बाजार में घूमते घूमते शंख की एक फेमस शॉप में पहुंच चुके हैं। आइए इस शॉप को विजिट करते हैं। इस शॉप में आपको विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे शिवलिंग और विभिन्न प्रकार की कौड़ियां भी देखने को मिलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शंख 3 प्रकार के होते हैं, दाएं हाथ से पकड़े जाने वाला, बाएं हाथ से पकड़े जाने वाला और एक मध्यमुख वाला होता है। आइए इस शॉप के ओनर से कुछ जानकारी लेते हैं। शंख के बारे में, शंख तो बहुत तरह का होता है, पंचमुखी शंख है, कलम शंख है, विष्णु शंख है, गौरी शंख है, बहुत तरह के शंख होते हैं। 150, 200, 250, 500, 700, 1000 इस तरीके से लेते हैं, बहुत तरह के। इनके शेप के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे इस प्रकार के शंख को पंचमुखी शंख कहते हैं और ये है पद्म शंख। और इस प्रकार के शंख को गौरी शंख कहते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इन शंखों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रामेश्वरम से होता है। जितना छोटा शंख उतनी ही कम आवाज और जितना बड़ा शंख उतनी ही ज्यादा आवाज। इनकी रेंज कुछ 100 रुपए से लेकर कुछ 1000 तक। आप इनके ये सुंदर से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ की सभी शॉप्स को तो नहीं दिखा सकता क्योंकि यह वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। मैं कुछ शॉप्स का बाहर से ही उनका ओवरव्यू दे रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं कुशा घाट को क्रॉस करते ही मोती बाजार में एंट्री ले चुका हूँ। दोस्तों, अब हम घूमते घूमते शुभ रत्न एम्पोरियन शॉप तक पहुंच चुके हैं। यह शॉप सभी प्रकार के मोतियों के लिए काफी फेमस है। यदि आप यहां से किसी भी प्रकार का मोती परचेस करते हैं तो उसके साथ आपको उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे आपको उसकी शुद्धता का पता चलता है। ट्री देखिए हमारे
आप मोतियों से बने इन सुंदर सी चीजों का यूज घर की डेकोरेशन के लिए भी कर सकते हैं। आप इस शॉप को जरूर विजिट कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी शॉप की ओर ले चलता हूं जो कि काफी रेयर है। यह शॉप है प्राकृतिक औषधियों और वनस्पतियों की। इस जगह पर आपको एक ही जगह में बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां देखने को मिलेंगी। और इसी बाजार में ही एक गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स की भी शॉप है, जहां से आप विभिन्न प्रकार की धार्मिक पुस्तकों को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस बाजार में मुझे काफी देर से रुद्राक्ष की माला की शॉप की तलाश थी, जो कि मेरी यहां पर पूरी हुई। इस शॉप का नाम है अंबाजी एम्पोरियम। आइए इस शॉप को विजिट करते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला चाहते हैं और किसी भी प्रकार का मोती या नग परचेस करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए इस शॉप को सजेस्ट करूंगा। आइए इस शॉप के ओनर से कुछ जानकारी लेते हैं। मेरी शॉप का नाम अंबाजी एम्पोरियम है। अंबाजी एम्पोरियम रामघाट पे मेरी शॉप है। भैया कुछ बताएंगे? ये भैया दो मुखी रुद्राक्ष होता है। क्या पहचान? ये दो लाइन होती है ऐसे करके, एक इधर और एक इधर। ऐसे ही रुद्राक्ष का ये तीन मुखी है, इस पर ये एक दो तीन लाइनें हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से ये चार प्रकार, चार मुखी है, ये पांच मुखी है, ये छः और ये सात मुखी। इसमें 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और इनका साइंटिफिक भी बहुत अच्छा महत्व है। दूसरा, ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये सब रुद्राक्ष। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये 11 मुखी है, ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है, ये वाला 9 मुखी रुद्राक्ष है, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, ये भी 9 मुखी है जैसे। और इसी में एक आता है सबसे अच्छा जो रुद्राक्ष माना जाता है, भगवान भोलेनाथ का स्वयं का स्वरूप होता है, वो होता है एक मुखी रुद्राक्ष। उसका रूप ऐसा होता है, देखिए, वो इस तरह से आधे चंद्रमा की तरह होता है और इसके आगे में एक ऐसे ऐसे सीधी लाइन होती है, इस लाइन को ही एक मुखी कहा जाता है। ये बहुत रेयर होता है और इसके बहुत लाभ होते हैं। इसको पहनने से हमारे हार्ट की ट्रबल बिल्कुल ठीक रहती है। इसको पहनने से अनएक्सेप्टेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और भगवान भोलेनाथ का स्वयं का रुद्राक्ष है, तो ये हम लोग ये एक मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है। बाकी सब अपने अपने भगवान के स्वरूप हैं, जैसे 2 शिव पार्वती का है, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश का है, 4 वाला गणेश का है, 5 पंच परमेश्वर का होता है, 6 कार्तिकेय के लिए होता है, 7 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली लक्ष्मी जी के लिए और बच्चों की पढ़ाई वगैरह जॉब के लिए अच्छा होता है। इससे क्या है, उनको प्रेशर मिलता है, जो इनका दिमाग इधर उधर भटक रहा है उसको ये एक जगह स्थिर करता है। ये इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है 7 मुखी। इनके कलर के बारे में बताएं भैया, ये कलर इनका भैया एक्चुअल में क्या है, बेसिकली तो कोई कलर नहीं होता इनका, ये पेड़ के फल है। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर पूरा एक गूदा होता है, जैसे ये ऑरेंज होता है ना संतरा, संतरे के ऊपर छिलका होता है, उसको हटाने के बाद ये अंदर से फल निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस फल को कीड़ा ना लगे, ये ख़राब ना हो, तो इस पर या तो मुल्तानी मिट्टी का एक घोल में डाल देते हैं, अदरवाइज गेहूँ के घोल में डाल देते हैं, फिर ये सब एक जैसा दिखने लगता है। कुछ समय बाद और इसको अच्छा पका हुआ रहेगा, इसको फिर सरसों के तेल में डाल सकते हैं, जिससे इसको कीड़ा नहीं लगेगा, ये ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहेगा। देन जितना टाइम ये पुराना होता जाएगा, तेल में रखा रहेगा, काला हो जाएगा, या फिर इसको जब हम पहनेंगे अपनी बॉडी टच में आएगा, जब ये जब हमारी बॉडी में टच में आएगा तो ये इस तरह से बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और जो हमारे ब्लड में बैड क्लाउड्स होते हैं उनको ये एब्जर्व करता है, जिसकी वजह से ना हमारा बीपी हाई होता है ना बीपी लो होता है। और आप देखिए, ये मेरे गले में माला है, ये मैंने इसको सोने में बनवा रखी है, ये माला पहनते पहनते एकदम काली हो जाती है, क्योंकि जो मेरे ब्लड में बैड सेल्स हैं उनको ये एब्जर्व करती है, जिसकी वजह से ना मेरा बीपी हाई होगा ना लो होगा, ये मेरा मानना है। और मेडिकली भी कहते हैं कि ये काफ़ी हद तक प्रूफ हो चुका है कि रुद्राक्ष पहनने से ना ब्लड प्रेशर हाई होगा ना लो होगा, एक मध्यम दर्जे तक रहेगा।
और ऐसे ही ये माला होती है रुद्राक्ष की। इसमें 108 दाने होते हैं। ये भगवान भोलेनाथ की माला है, भोलेनाथ का जाप भी इससे होता है। ये दाने इस तरीके के होते हैं कि अगर आप इसको जाप करेंगे तो इसके आपका भोलेनाथ का जाप भी होगा और एक्वा पंचिंग का भी ये काम करता है। तो रुद्राक्ष का ये महत्व है हमारे जीवन में और हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी चीज़ है। इनकी रेंज भैया क्या होंगी बताएंगे? रेंज कमी है, कोई बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है ये। जैसे ये 2 मुखी, 3 मुखी, 4, 5 और 6 मुखी तक के दाने 50 रुपये पर पीस में मिल जाते हैं। अच्छा। और जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जैसे ये 1 मुखी है, ये थोड़ा रेयर दाना होता है, पैदावार कम है पर इसका लाभ ज़्यादा है, इस वजह से इसका दाम लगभग 1100 रुपये का पड़ेगा। और उसके बाद जैसे 7 मुखी है, ये 7 मुखी ओरिजिनल नेपाल वाला दाना, भारी दाना जो होता है, 400 रुपये का पड़ता है ये एक दाना, ठीक है। इसी प्रकार से 7 के बाद जैसे 8 मुखी है, 8 मुखी का थोड़ा दाम और ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में बताएं भैया। ये स्फटिक की माला है भैया। ये क्या होता है, जो लाखों वर्ष पुरानी बर्फ जम करके पत्थर बन जाती है उसी का ये स्वरूप है। और इसको पहनने से हम लोगों का बीपी हाई नहीं होता है। ये बेसिकली बीपी को लो करने के लिए होती है। ये आइस स्टोन होता है, तो इसको जब हम आपस में घिसेंगे, जैसे कि अंधेरे में हम इसको इस रूप में घिसेंगे, तो इसको चिंगारी नज़र आएगी। अच्छा। दैट मीन्स ये पत्थर है, प्लास्टिक या कांच में चिंगारी नहीं निकलती है। इसको पहनने से जो हमारा बुद्धि होती है उसको ये एकाग्र करता है, जिसकी वजह से हमारे को एकदम गुस्सा आना, टेंशन होना, एकदम से फैडअप हो जाना, चिड़चिड़ा बनाना, उसको ये नॉर्मल करता है। ये ठंडा स्टोन होता है, इसको आप फील करके देखेंगे ऐसे करके अपने हाथ में, तो आपको ये ठंडा महसूस होगा, काफ़ी ठंडा। सही है, ठीक है। तो इसके ये है। ये बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भैया जी से कहा था कि आप हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा और सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करें। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरी यह पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको किसी भी जगह की बहुत ही अच्छे से जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों, यदि आप हरिद्वार आएं तो आप इन दोनों बाज़ारों को ज़रूर विज़िट करिएगा। दोस्तों, मैंने हर की पौड़ी के मेन गेट से इस वीडियो की शुरुआत की थी और अब मैं बाज़ार में घूमते घूमते मोती बाज़ार के विष्णु घाट तक पहुँच चुका हूँ। आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इसी तरह ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।